नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पिंटू सिंह यादव। दोस्तों, जिस तरीके से वर्ल्ड कप का लोगों का खुमार सर पर चढ़कर बोल रहा है, तो अब तकरीबन तीन टीम जो है वो सेमीफाइनल का एंट्री कर चुकी है। जी हाँ, बात करें तो पहला भारतीय क्रिकेट टीम है, दूसरा साउथ अफ्रीका है और तीसरा जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने दमदार पारी खेलकर अपना सेमीफाइनल में पोजीशन जगह किया है, तो वहीं अब एक और टीम सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें लगाई हुई है और वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान टीम की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ज़बरदस्त तरीके की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक चमत्कार ही है जो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचा सकता है, नहीं तो उनका बाहर होना तय है और एक दिन में सब साफ हो जाएगा। क्या है पूरा जानकारी, चलिए बताते हैं। दरअसल भारत में खेली जा रही आईसीसी वर्ल्ड कप में अगले दौर में जाने वाली टीमों में से तीन का नाम फैसला हो चुका है। मेजबान भारत टीम टूर्नामेंट ने धुआंधार प्रदर्शन करते हुए अब तक अपने सभी आठ मुकाबले जीते हैं। विजय रथ पर सवार टीम इंडिया ने सातवां मुकाबला जीतने के बाद सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लिया है। भारतीय टीम के बाद इस विश्व कप में सबसे ज्यादा दम खेल साउथ अफ्रीका की टीम ने दिखाया है। भारत ने आठ मैच खेलकर आठ मैच जीत हासिल किया है, तो प्रोटियाज टीम के नाम छह जीत है, यानी कि नीदरलैंड्स के खिलाफ एक उलटफेर ने अलावा सिर्फ भारत ने ही उसे हराया है। टीम पिछले मुकाबले में उतरने से पहले ही सेमीफाइनल की सीट पक्की कर रखी है। ऑस्ट्रेलिया के इस विश्व कप में शुरुआत भले ही खराब रही हो, लेकिन उन्होंने अपने नाम के मुताबिक खेल दिखाया है। एक वक्त तालिका में 10वें नंबर पर पहुंच चुकी कंगारू टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। ग्लेन मैक्सवेल के अफगानिस्तान के खिलाफ दोहरा शतक लगातार लगाकर टीम को सेमीफाइनल का टिकट दिला दिया है। पाकिस्तान ने लगातार जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की थी, लेकिन भारत ने ऐसा धोया कि लगातार मैच की हार के बाद ही टीम जीत की पटरी पर लौट आई। न्यूजीलैंड को पिछले मैच में नामुमकिन जीत को बारिश की मदद से मुमकिन तो बनाया, लेकिन उसे सेमीफाइनल का टिकट अपने दम पर नहीं मिल सकता है। एक दिन में यह तय हो जाएगा कि पाक टीम आगे जा रही है या नहीं। न्यूजीलैंड श्रीलंका के मैच के बाद सारे समीकरण जो है सामने होने वाले हैं। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अगर पाकिस्तान की टीम पहुंचती है तो उनकी किस्मत का साथ देना जरूरी है। भारत, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के जैसे अपने दम पर जीत हासिल करते हुए पाकिस्तान कभी भी आखिरी चार में नहीं पहुंचेगा। उसे या तो फिर से बारिश के भरोसे रहना होगा या फिर दुआ करनी होगी कि श्रीलंका की टीम जो है वो जीत जाए। इस विश्व कप में नंबर वन टीम की रैंकिंग लेकर उतरी पाकिस्तान का हाल हद से भी ज्यादा बुरा है। न्यूजीलैंड की टीम को जहां सिर्फ श्रीलंका के हराने के बाद सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा, तो वहीं पाकिस्तान को दुआ भी करनी होगी कि न्यूजीलैंड को श्रीलंका हरा दे। अगर नहीं तो बारिश मैच को रद्द कर दे और उसे इंग्लैंड के खिलाफ जीत मिल जाए। इंग्लैंड की टीम के खिलाफ पाकिस्तान को करिश्माई जीत चाहिए, क्योंकि सिर्फ जीत से उसे सेमीफाइनल का टिकट नहीं मिलने वाला है। नेट रन रेट में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से काफी आगे है। ऐसे में न्यूजीलैंड ने अगर एक रन से भी जीत हासिल की तो पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ 130 रन की जीत दर्ज करनी होगी। तो ये चांस है, तरीका है जिसकी वजह से पहुंच सकता है। बाकी आप लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।